हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास सिक्स की जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है पूर्वी, उसकी फर्स्ट यूनिट का थर्ड पार्ट जो है रामा टू द रेस्क्यू, इस पार्ट को करने वाले हैं, जो कि इलस्ट्रेशंस की फॉर्म में है, डायग्रामेटिक फॉर्म में है, जिसको हमने चेक करना है। तो चलिए पहले चैप्टर से पहले एक्टिविटीज दी हुई है उसे करके देखते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। अब इसमें कहा है कि भाई जो पहले क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिए हैं वो आपको पहचानना है और हमें बताना है कि ये किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं जब हम किसी मुश्किल में होते हैं। तो ये है पुलिस वुमेन, जो हमें पहले डायग्राम में दिया है वो है पुलिस वुमेन। पुलिस वुमेन क्या करते हैं भाई, या पुलिस मैन कह लो, पुलिस वुमेन कह लो, पुलिस हमारा किस तरह से हेल्प करती है। तो पुलिस हेल्प करती है हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और लोगों को किसी भी तरह के डेंजर से बचाने के लिए। सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड डायग्राम में है डॉक्टर। डॉक्टर हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं, हमें मेडिकल केयर देते हैं, हमें ट्रीटमेंट देते हैं। और थर्ड में दिया हुआ है फायर फाइटर। फायर फाइटर किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं भाई, तो फायर फाइटर करते हैं एक्सटिंग्विश करते हैं फायर को और लोगों को बचाते हैं, जलती हुई बिल्डिंग से निकालते हैं उन्हें, इस तरह से हमारी हेल्प करते हैं ये। अब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या है, द वर्ड रेस्क्यू मींस टू। अब रेस्क्यू का मीनिंग बताना है। रेस्क्यू का मीनिंग क्या होता है, मेक फन ऑफ समवन, सेव समवन, आस्क समवन फॉर हेल्प। तो इसका मीनिंग होता है सेव समवन, रेस्क्यू करना यानी कि किसी को बचाना। नेक्स्ट एक्टिविटी है वर्क इन पेयर्स। पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड। अब जिनको भी हमें यहाँ पर किसी भी कंडीशन में बचाना चाहिए उनके सामने हमने क्या करना है भाई, टिक लगाना है। शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट, ये आपकी एक्टिविटी रहेगी। सेंटेंसेस देखते हैं, अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। अब भाई एक आदमी है जो बिल्डिंग में फंसा हुआ है, आग वाली बिल्डिंग में फंसा हुआ है, तो उसको बचाया जाना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल बचाया जाना चाहिए, तो इसके आगे मैं टिक करूंगा। अ वुमन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। अब भाई एक औरत है जो वेजिटेबल्स ले रही है मार्केट में, तो क्या उसे कहीं पर बचाने की जरूरत है, तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम इसमें क्रॉस करेंगे। अ डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग। अब एक डॉग है जिसकी टांग में चोट लग गई है, तो क्या उसे हेल्प मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल उसे हेल्प की जानी चाहिए, इसलिए इसे हम टिक करेंगे। अ ट्री बींग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। अब एक जंगल है उसमें एक पेड़ को काटा जा रहा है, तो भाई पेड़ों को तो बचाया जाना चाहिए, ये तो अभियान भी चल रहे हैं इसके लिए काफी, तो पेड़ बचाया जाना चाहिए, इसके लिए हमें इसे रेस्क्यू करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे सामने है, द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल। अब इस स्टोरी में हम एक पुलिसमैन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे कि यहाँ पर कोतवाल बताया गया है। सम पीपल कॉल हिम थानेदार। अब कई लोग इसे थानेदार भी कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज। अब हमें बताना है कि हम अपनी लैंग्वेज में पुलिसमैन को क्या बोलते हैं। तो भाई हमारे यहाँ तो पुलिसमैन को पुलिस वाला भी बोला जाता है भाई, पुलिस वाला, और कई कई बार भाई लोकल लैंग्वेज में हम इसे मामे भी कह देते हैं, ये भी ध्यान रखना है कि मामे आगे भाई। अब नेक्स्ट है, इमेजिन यू आर अलोन एट होम एंड यू फेस अ प्रॉब्लम, कि आप एक घर में अकेले हैं अपने घर में और आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अब भाई आगे आने वाले क्वेश्चंस के हमें फिर जवाब देने हैं। सो विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू। अब भाई क्या इसके अकॉर्डिंग जो एक्टिविटी है कि आप एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और घर पर अकेले हैं, तो क्या आप वो प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करेंगे या किसी के आने का वेट करेंगे कि कोई आएगा और आपकी हेल्प करेगा। तो भाई ये उस चीज के नेचर पर डिपेंड करता है, उस प्रॉब्लम के नेचर पर डिपेंड करता है कि अगर मैं उसे खुद से हैंडल कर सकता हूँ, इफ आई कैन हैंडल द प्रॉब्लम बाय माई सेल्फ, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसे सॉल्व करूँ। लेकिन अगर कुछ डिफिकल्ट या डेंजरस सिचुएशन आ जाती है, तो भाई मुझे हेल्प की नीड पड़ेगी, तो मैं किसी की हेल्प की वेट भी करूंगा। तो वो उस कंडीशन पर डिपेंड करता है, उस जो प्रॉब्लम है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। बी एक्टिविटी है, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव अ रीजन। अब आप उस प्रॉब्लम से डील कैसे करेंगे, उसका हमें रीजन देना है। सो बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप, फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, और थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें सबसे अप्रोप्रिएट है हम किस तरह से डील करेंगे इस प्रॉब्लम से, दैट थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम ट्राई करेंगे कि क्विकली हम इसके बारे में सोचें कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। अब इस तरह की सिचुएशन में हमें ये भी देखना जरूरी होता है कि हमें बिल्कुल शांत रहकर और बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सोचने चाहिए कि किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम से इजीली डील किया जा सके। अब नेक्स्ट हमारे सामने है, हमारा चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा है, रामा टू द रेस्क्यू, अ फोक टेल फ्रॉम तमिलनाडु। अरे भाई अब ये एक फोक टेल है जो कि तमिलनाडु से ली गई है,
रामा टू द रेस्क्यू इसका नाम है, यानी कि रामा यहाँ पर एक पर्सन है जो पुलिसमैन है, थानेदार बताया गया जिसे, अब वो किसी के बचाव में लगा हुआ है भाई। अब इसकी स्क्रिप्टिंग जो है वो की है लुइस एम फर्नांडिस ने, और इलस्ट्रेशंस यानी कि इसके डायग्राम जो है वो राम वेकर ने दिए हैं। अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है इन अ विलेज वन नाइट, एक विलेज की स्टोरी है और एक रात की बात है। ये यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर है हमारे सामने, ये हस्बैंड है और ये इसकी वाइफ बैठी है यहाँ पर। व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। अब ये यहाँ पर एरो जा रहा है इस हस्बैंड की तरफ, ये कह रहा है कि अरे भाई क्या कितना मुश्किल दिन रहा, कितना थकान भरा दिन था। और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में ये कह रहा है आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। अब ये देखिए ये जो एरोज यहाँ पर दे रखे हैं इन्हीं से इंडिकेशन किया जा रहा है कि किस तरफ से आवाज आ रही है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। अब ये फिर से एरो हस्बैंड की तरफ है, अब हस्बैंड पूछ रहा है कि भाई तुम क्या देख रही हो, मुझे भी बताओ क्या दिक्कत हो रही है। तो वाइफ जवाब देती है कि भाई शांत रहो, एकदम बिल्कुल आवाज नहीं। अब यहाँ पर ये वाइफ जो है ये कुछ अलार्म्ड है, कुछ देख रही है, किसी बारे में सोच रही है, यानी कि इसे किसी चीज का डाउट हुआ है। और उससे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में कहती है लिसन, कि ध्यान से सुनो। अब ये भी ध्यान से सुनने लग जाता है और ये तो पहले से ही जो वाइफ है वो गौर से सुन रही थी। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हमें क्या कहते हैं, समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन। अब ये यहाँ पर हस्बैंड कह रहा है कि अरे भाई लगता है कोई घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक ही हैज ऑलरेडी गॉट इन, द नॉइस हैज स्टॉप्ड। अब ये एरो देखिए वाइफ की तरफ जा रहा है, यानी कि ये वाइफ के थ्रू बोला जा रहा है। अब वाइफ क्या कह रही है कि मुझे तो लग रहा है कि वो ऑलरेडी अंदर आ चुका है क्योंकि आवाज बंद हो चुकी है, यानी कि जो आवाज अभी हमें आ रही थी वो बिल्कुल नहीं आ रही है। तो उससे नेक्स्ट एक्टिविटी में लाई डाउन डोंट लुक, कि अरे भाई लेट जाओ, बिल्कुल भी मत कुछ देखो। अब फिर उसके बाद हस्बैंड नेक्स्ट सेलिब्रेशन में कहता है इट्स अ थीफ, ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा, कि लगता है भाई ये कोई चोर ही है और ये किसी ना किसी तरह रामा को चकमा देकर यहाँ तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है रामा वॉज द विलेज कोतवाल, की भाई रामा जो है उस गाँव का कोतवाल था, उस गाँव का थानेदार था। अब लेटेस्ट डिस्कस एक्टिविटी दी हुई है इसके बाद इलस्ट्रेशन के बाद सर्किल द ऑड वन, की जो डिफरेंट है वो हमें सर्किल करना है। अब इसमें करेक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से दिए हैं, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, तो भाई हस्बैंड और वाइफ का तो डिस्क्रिप्शन दिया लेकिन चिल्ड्रन का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसीलिए हम इसे सर्किल कर रहे हैं यहाँ पर। हु एंटर्ड द हाउस, अब घर में कौन घुसा, गेस्ट रोबर कोतवाल। अब भाई घर में कौन घुसा था, तो घर में तो रोबर घुसा था, जो चोर है वो गुस्सा था, इसलिए मैं इसे यहाँ सर्किल कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, एक और चीज जो है वो दिक्कत कर रही है, वो क्या है कि अगर पूरे चैप्टर के रेफरेंस में पूछा गया है तो कोतवाल भी घर में आता है और रोबर भी घर में आता है, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर रोबर को सर्किल नहीं करूंगा और रोबर की बजाय जो है गेस्ट को सर्किल करूंगा, क्योंकि ये फिर एक डिफरेंट कैरेक्टर जो है वो बच जाएगा, क्योंकि रोबर और कोतवाल एट द एंड दोनों ही घर के अंदर एंटर करते हैं। और इससे नेक्स्ट हमें कहते हैं व्हाट शुड वी डू, अब वाइफ पूछ रही है कि अब भाई अब हम क्या करेंगे, तो हस्बैंड कहता है आई विल टेल यू लिसन। अब भाई ये यहाँ पर जो भी ये आगे एक्टिविटी करने वाले हैं उसके बारे में हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को बताने वाला है, यानी कि यहाँ पर ये जो प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लान एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाएगा वो यहाँ पर अपनी वाइफ को बता रहा है। Meanwhile, voices, they are awake. अब भाई चोर जो है वो घर के अंदर घुसा हुआ है, वो धीरे धीरे सुन रहा है और उसके दिमाग में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का एरो नहीं है, जो एरो यहाँ पर आ रहा है वो एरो नहीं है, यहाँ पर डॉट्स आ रहे हैं। तो डॉट्स आ रहे हैं मतलब इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, ये दिमाग में सोच रहा है, ये बोल नहीं रहा। Voices, they are awake. I'll have to wait till they fall asleep. अब ये चोर सोच रहा है कि आवाजें आ रही हैं, भाई लगता है वो जाग रहे हैं, मुझे वेट करना चाहिए जब तक ये सो ना जाए। और उससे नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, अब फिर से यहाँ पर डॉट्स हैं, यानी कि ये सोच रहा है आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी। अब यहाँ पर एक तो वंडर होता है नाउन, जब हम नाउन की तरह वंडर को यूज करते हैं तब हम सरप्राइज के रूप में करते हैं, लेकिन यहाँ पर आई जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद वर्ब आ रही है यहाँ पर, तो जब वंडर जो है वो वर्ब की तरह यूज होता है तो उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। भाई इसका मीनिंग क्या होता है, टू वॉन्ट टू नो अबाउट समथिंग, टू वॉन्ट टू नो अबाउट
समथिंग, किसी चीज के बारे में जानना चाहता है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी। अब ये सोच रहा है कि मैं तो जानना चाहता हूँ कि भाई ये अपना जो पैसा है वो पैसा कहाँ पर छुपाते हैं, वो पैसा कहाँ पर रखते हैं। ध्यान से देखिए, इसने मनी के बारे में पूछा है हमसे। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है इलस्ट्रेशन में, दे आर सेइंग समथिंग, कि वो कुछ कह रहे हैं। ये फिर से यहाँ पर सोच रहा है, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, मेरे को लग रहा है कि वो अपने पैसों के बारे में बात कर रहे होंगे शायद। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, तो अब यहाँ पर वो कह रहा है कि मुझे जो है थोड़ा और पास जाकर जो है इन्हें सुनना चाहिए। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में देखिए, यहाँ पर ये चोर जो है यहाँ गेट के बिल्कुल कॉर्नर में खड़ा है। वाइफ कह रही है, व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड। अब ये प्लान जो है एग्जीक्यूट करना इन्होंने शुरू कर दिया है, और वाइफ कह रही है कि हमें अपने बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए। इफ ही इज अ बॉय वी'ल कॉल हिम रामा, तो हस्बैंड कहता है कि अगर तो भाई लड़का हुआ तो हम उसका नाम रामा रखेंगे। रामा, यस दैट्स अ गुड नेम। तो वाइफ कहती है कि रामा, अरे भाई हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा नेम है। और अंदर से ही आवाज आ रही है, और ये जो गेट पर जो है चोर खड़ा है, आवाज अंदर से आ रही है। और ये आवाज क्या आ रही है, व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम रामा रामा। अभी अंदर से आवाज आ रही है, डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वाइफ ने बोला होगा या हस्बैंड ने, लेकिन बोला है। और क्या बोला है कि जब वो घर के अंदर होगा तो मैं उसे आराम से रामा रामा बुलाऊंगा या बुलाऊंगी। चोर ये सुन रहा है। अब लेट अस डिस्कस की एक्टिविटी है, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब भाई ये ट्रू है या फॉल्स है ये हमें बताना है। पहला सेंटेंस है, द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, तो क्या उस हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अपना प्लान बताया, तो बिल्कुल बताया, ये ट्रू है। और इसका जो प्रूफ है वो पेज नंबर 22 पर मिल जाएगा आपको, पेज नंबर 22। द थीफ वॉन्ट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, तो क्या थीफ जानना चाहता था कि वो अपनी ज्वेलरी कहाँ रखते हैं, तो बिल्कुल ये फॉल्स है, वो ज्वेलरी नहीं मनी जानना चाहता था कि वो अपना मनी कहाँ पर रखते हैं, ये मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया था। अब नेक्स्ट हमारे सामने इलस्ट्रेशन है, बट वट इफ ही इज इन द यार्ड। अब हस्बैंड पूछ रहा है कि लेकिन अगर वो यार्ड में हुए तो, यानी कि रामा जो है वो यार्ड में तो हम उसे कैसे बुलाएंगे। Then I'll call out a little louder, Rama Rama. तो मैं उसे थोड़ा और ऊंची आवाज में रामा रामा बुलाऊंगी भाई। I wish they would stop this silly game and talk about their money instead. अब चोर के दिमाग में आ रहा है कि भाई ये अपनी ये बचकानी सी गेम, यानी कि बचकानी सी बातें बंद करके इससे अच्छा तो मनी के बारे में बोलें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और फॉल असलीप एट लीस्ट, और उससे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में सोच रहा है कि या तो फिर सो जाएं, वही ज्यादा बेटर है मेरे लिए। और उससे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हस्बैंड कह रहा है, बट माई डियर वट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट, लेकिन अगर हमारा जो बेटा है, जो लड़का है, वो घर में भी ना हुआ और गार्डन में भी ना हुआ और बजाय इसके कि स्ट्रीट में हुआ तो, देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, तो मैं और ऊंची आवाज में बोलूंगी, ये वाइफ कह रही है। और उससे नेक्स्ट में क्या कहती है वाइफ, रामा रामा। अब वो जोर जोर से चिल्ला रही है, ये इसके एक्सप्रेशन फेस पर जो दिख रहे हैं कि वो पूरा मुंह खोलकर और जोर जोर से आवाज लगा रही है, रामा रामा। अब रामा भाई स्ट्रीट में था, आसपास से ही उसे आवाज सुनाई दी, तो भाई ये एकदम से सरप्राइज में आ गया कि ये आवाज मेरे को बुलाने की आ रही है इतनी जोर से। और उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, वो भाग कर जाता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से उसे आवाज आ रही होती है। और उससे नेक्स्ट हमें लेट अस डिस्कस की एक्टिविटी दी हुई है, अलोंग विद देयर क्लासमेट्स कॉल आउट द नेम रामा सॉफ्टली लाउडली एंड वेरी लाउडली। ये क्लासमेट के साथ की जाने वाली एक्टिविटी है आपकी, ये आपको खुद करनी है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, ये आपके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। तो मुझे तो स्टोरी पता है, फिर भी एक रेफरेंस के लिए बता दूं कि मेरे अकॉर्डिंग रामा कोतवाल जो है वो भाग कर जाएगा और अब थीफ को पकड़ लेगा और उस हस्बैंड वाइफ को बचा लेगा। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, रामा द विलेज कोतवाल रन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। अब रामा जो कि विलेज का कोतवाल था उस घर की तरफ जाता है जिस घर से उसे बुलाए जाने की आवाज आ रही थी। तो ये घर में एंटर हो रहा है, ये उसकी देखिए यहाँ पर ये फर्श से हम रेफरेंस लगा सकते हैं कि जो फ्लोर है, फ्लोर की टाइल्स जो हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी कि ये घर पर पहुंच चुका है, घर के बाहर है। और अब ये यहाँ पर उससे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में, सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू द हाउस, कोई ये घर की दीवार तोड़कर जो है इसके अंदर घुस चुका है, इस घर को तोड़कर अंदर घुसा है यहाँ से। अब भाई रामा भी इस स्टेप में यहाँ पर घुस रहा है इस घर के अंदर। और उससे नेक्स्ट स्टेप में देखिए रामा यहाँ पर एंटर हो चुका है उसी हॉल से जहाँ से थीफ घुसा था। अब चोर के दिमाग में अभी भी चल रहा है, ओह एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अरे भाई शुक्र है इन्होंने अपनी ये जो बड़बड़ की आवाज है, ये बार बार बोलने की आवाज है, ये एटलीस्ट बंद तो की।
अब उससे नेक्स्ट में क्या है, नाउ सून दिल गो टू स्लीप एंड ओह। अब यहाँ पर ये देखिए इसके चेहरे के हाव भाव भी बदल गए, ये कुछ बोल रहा था, कुछ सोच रहा था अपने दिमाग में कि अब जो है ये बहुत ही जल्दी इन्हें नींद भी आ जाएगी। जैसे ये सोच रहा था पीछे से जो कोतवाल है रामा उसने इसे पकड़ लिया और ये कहता है ओह। अब यहाँ पर ये इसने पूरी तरह पकड़ लिया रामा ने चोर को, यू आर अंडर अरेस्ट। और रामा कहता है कि अरे भाई तुम अंडर अरेस्ट हो, तुम्हें पकड़ लिया गया है। इट्स रामा ही हर्ड अस। अब ये हस्बैंड कह रहा है कि अरे भाई ये तो रामा है, इसने हमें सुन लिया था। द प्लान वर्क, वी आर सेव। यहाँ पर ये वाइफ कहती है कि ये जो प्लान हमने बनाया ये काम कर गया और अब हम सेव्ड हैं, हम बच चुके हैं। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। अब भाई जो आदमी है और उसकी वाइफ है उन्होंने अपनी क्लेवरनेस के साथ, अपनी चतुराई के साथ ही खुद को चोरी होने से बचा लिया था, यानी कि उनके घर चोरी होने वाली थी, एक चोर घुसाया था तो उस चोरी से खुद को बचा लिया किसी न किसी तरह से। फ्रॉम अमर चित्र कथा। और ये कहाँ से लिया गया है रेफरेंस, अमर चित्र कथा से। अमर चित्र कथा क्या है भाई, ये एक इंडियन कॉमिक बुक पब्लिकेशन है, ये हमें ध्यान रखना है, इंडियन कॉमिक बुक पब्लिकेशन है ये। तो इसका नरेशन पूरा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स की जो एक्टिविटीज हैं जितनी भी उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।